Hello lovelies, how are you? I'm Swati and welcome to my channel Fattofittakby Swati. Today I'm sharing a video of what I'm carrying for my lunch and snacks for today. So it's, you know, matter of choice what exactly you want to eat, aapko kaise khana hai, kaise rehna hai, that's completely your choice how you want to make it. But because jo bhi aap khate peete ho, jaise bhi aap rehte ho, wo reflect karta hai aapke face se, aapke energy se, aapki vibe se, and that's how it all reflects from you. So I've also made few choices for me, and I'm very proud that I'm strict to my routine and pura committed to apne routine se. So aaj main kya carry kar rahi hu, usse pehle kuch cheeze hain jo main aapke sath share karna chahti hu. Sabse pehle to jo aap ye agar aap college going hai ya aap office jate hain, to burger, pizza, diet cola, जो भी आप खाते पीते हैं, यू विल हैव टू से कम्प्लीटली नो टू इट. मैं शेयर कर सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जब कोई पूछता है कि यार एक बर्गर नहीं खा सकती क्या, सो आई नो हाउ मच इट इज़ डिफिकल्ट टू से नो, सो यू हैव टू लर्न टू इट. सो वंस इन अ मंथ चलता है, 15 दिन में एक बार चलता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो. न्यूट्रिशन का होना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में, एंड ट्रस्ट मी गाइज, रेडीमेड प्रोडक्ट्स कोई वैल्यू एड नहीं करते हैं. सो लंच करने के बाद अगर आप 5 to 10 मिनट्स वॉक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज इससे क्या होता है, आपका आलस दूर होता है, वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है. तो बहुत हो गया आज का ज्ञान, लेट्स जस्ट चेक व्हाट आई एम कैरिंग टुडे. सो सबसे पहले चेक करते हैं मेरे लंच बैग में क्या है, देखते हैं इस डब्बे में क्या है. इस डब्बे में है भुने चने, जैसे कि आप देख सकते हैं. एक्चुअली मैं अवॉइड करती हूँ बिस्किट, नमकीन, जो भी ऐसे जंक फूड हैं, एंड चने इज़ वेरी हेल्दी स्नैक यार. सो कौन इसके बेनिफिट्स नहीं जानता, आपको भी अगर इसके बारे में और पढ़ना है सो यू कैन गूगल इट, आजकल सब अवेलेबल है गूगल पे. सो इसके अलावा मैं 2 फ्रूट्स का इंटेक लेना बहुत ज़रूरी समझती हूँ. आज मैं लेकर आई हूँ एप्पल एंड ऑरेंज, बिकॉज एंटी ऑक्सीडेंट है तो मैं प्रेफर करती हूँ इवनिंग स्नैक में. इसके अलावा ये जो आप डब्बा देख रहे हैं, इसमें मैं लेकर आई हूँ मिल्क, बिकॉज क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है मुझे वो चाय या कॉफ़ी वाली, तो उसको दूर रखने के लिए मैंने इस मिल्क में मिलाया है आलमंड, अदरक, सैफरन एंड थोड़ा सा मैंने टर्मरिक डाला है अगर आप देखें, और साथ में मैं खाने के लिए लेकर आई हूँ फिक्स. सो आलमंड के साथ ये आलमंड मिल्क है एक तरीके से, जिसके साथ में फिक्स लूँगी एज ए स्नैक. सो इट दैट विल यू नो मेक माई डे गाइज. और मैं तो एक्चुअली यही सब अच्छा अच्छा खाना देख के खुश होती रहती हूँ. सो करीब 10:30 बजे के आसपास एक्चुअली मैं इसको लूँगी, बिकॉज मैं अपना जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है वो 8:30 बजे के आसपास कर लेती हूँ. सो मुझे हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है. सो लेट्स जस्ट चेक व्हाट एल्स आई एम कैरिंग. ओके, सो इसके अलावा अगर मैं लंच की बात करूँ तो लंच के लिए आज मैं बहुत सिंपल से छोले की सब्जी लेकर आई हूँ, जो कि आप देख सकते हैं इसमें आपको कोई भी मसाला नहीं दिखेगा, बहुत बहुत कम मसाला डाला है मैंने. आई एक्चुअली अवॉइड डीप फ्राइंग. सो साथ में मैं रोटी लेकर आई हूँ, एंड आई विल टेक यू नो वेरी नॉर्मल सैलड फ्रॉम ऑफिस ओनली, विच वुड बी कुकुम्बर एंड कैरेट. So yeah, after lunch I try to take hot sip of any drink like green tea, lemon tea, you can take ginger water, lemon water as well. आज मैं ले रही हूँ hot sip of orange water, जिसमें मैंने 3 से 4 पीस लिए हैं orange के, और इसमें मैं add कर रही हूँ hot water now. And now I will mix it really well so that ये अच्छे से mix हो जाए. This is also a वेट लॉस यू नो ड्रिंक गाइज, खूब सारा विटामिन सी आपकी बॉडी को मिलता है, एंड प्लस इट्स नॉट शुगरी एज वेल. सो उल्टा सीधा चटापट खाने से अच्छा है आप कुछ हेल्दी खाए पिए, यू नो कोई भी फ्रूट लेके आप इन्फ्यूज्ड वाटर बना सकते हैं, हॉट सिप लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. सो यहाँ गाइज, दैट्स इट फॉर द डे, एंड आई होप यू लाइक इट. गाइज आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ जंक फूड को अपने लिस्ट से हटा देना है, एंड देन इंक्लूड यू नो होलसम घर का खाना, एंड दैट्स इट. यू आर सेट ऑन अ जर्नी ऑफ फैट टू फिट, एंड यू नो जस्ट ट्राई टू स्टिक टू अ हेल्थी रूटीन एंड कमिट टू योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट. सो या बाय, एंड थैंक यू सो मच.